Yes, good morning everyone. सबको वेरी गुड मॉर्निंग. सारे चैम्पियंस को गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स. प्रिया, विकास, सबको वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो सेशंस को लाइक भी कर देना. लाइक में कमी कर देते हो आप लोग, ठीक है. और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूरी है. और एक बार क्लास हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है. हम लोग बहुत बेसिक से कंजंक्शन कर रहे हैं और एकदम जो मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ ना एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है. एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एकदम एग्जाम को ध्यान में रखकर. एग्जाम में कैसे क्लोज टेस्ट वाला ऑप्शन आ गया तो उसमें कंजंक्शन का क्लोज टेस्ट में ऑप्शन आ गया, तो कैसे कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है. तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए. जिसने अभी तक कंजंक्शन का पहला क्लास नहीं देखा है ना, कल मैंने कंजंक्शन स्टार्ट किया है. ओके, टुमारो इटसेल्फ आई स्टार्ट कंजंक्शन. तो एक बार आप उसको देख लेना. उसको देख लोगे ना तो आपको कंजंक्शन का बेसिक क्लियर हो जाएगा. अभी मैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज़ होता है. नेवरदिलेस, नंदीलेस, ये सब मैंने कवर कर दिया है, ठीक है. वो सारे कंजंक्शंस करवा दिए जो कॉन्ट्रास्ट में यूज़ होता है. और उसका मैंने कुछ सेंटेंसेस के थ्रू यूजेस भी बताया. और मैंने बताया था कि आज हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है ना वो भी कॉन्ट्रास्ट में यूज़ होता है, कुछ ऐसे कंजंक्शंस है वो भी कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज़ होता है. तो हाउ विल गेट टू नो कि वेदर वी नीड अ कंजंक्शन और वी नीड अ प्रीपोजिशन, ठीक है. ओके, तो चलो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था ना लास्ट क्लास. इवन दो और इवन इफ पढ़ा दिया था. इवन दो में एक्शन कंप्लीटेड है, इवन इफ में एक्शन इनकम्प्लीट है. ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. इवन और ये दो और ऑल दो भी आता है. दो और ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि. यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया. तो दो और ऑल दो भी एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है. ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेज में यूज़ होता है. एडवर्सेटिव कंजंक्शन. और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है. इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद. कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है, ठीक है. दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है. तो आप मुझे बोलोगे मैम दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये वाला प्रीपोजिशन है. ये वाला प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन है और ये प्रीपोजिशन है. ओके, ये डिफरेंस है. ओके, तो चलो आप कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं. इन स्पाइट ऑफ या और आप बोलोगे कि मैम इन स्पाइट और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है. वैसे तो दोनों प्रीपोजिशन है, बट इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता. ये भी एग्जाम का एक एरर है. अब बताओ, इन स्पाइट ऑफ या ऑल दो इट रेन्ड हैवीली ही अटेंडेड द पार्टी, क्या होगा. भारी बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड किया. बारिश हो रही थी और इसके बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड कर लिया. तो कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है, और कॉन्ट्राडिक्शन में तो हम इन स्पाइट ऑफ का भी यूज़ करते हैं, ऑल दो का भी यूज़ करते हैं. बट ऑल दो एक कंजंक्शन है और इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है. इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ऑल दो एक कंजंक्शन है. अब आपको डिसाइड करना है कि वाक्य में हमें इंस्पाइट कंजंक्शन चाहिए या प्रीपोजिशन चाहिए. चलो बता दो. ऑल दो, कैसे पता चला ऑल दो चाहिए. हाउ डिड यू गेट टू नो कि वहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए. आपका आंसर सही आ रहा है, बट कैसे पता चला कि वहाँ पे कंजंक्शन चाहिए. देखो, इट, इट यहाँ सब्जेक्ट है और रेंड क्या है, रेंड इज वर्ब. रेंड इज वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज आता है. और क्लॉज, क्लॉज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, क्लॉज के साथ कंजंक्शन का यूज़ होता है. तो ऑल दो होगा, इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, ऑल दो होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट वाला, स्टूडेंट्स दे हैव बिकम स्मार्ट. इन स्पाइट या ऑल दो हैवी रेन. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा. यहाँ पे तो फिर भी हमारे पास दो क्लॉज है ना, एक सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ भी एक सब्जेक्ट वर्ब, और दो क्लॉज है. दोनों क्लॉज को ये ऑल दो जोड़ रहे हैं. अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो क्लॉज नहीं है, यहाँ पे एक ही क्लॉज है. सब्जेक्ट है या वर्ब, एक ही क्लॉज. अब देखना यहाँ पे क्या है, इन स्पाइट और ऑल दो हैवी रेन. हैवी क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, रेन की. और रेन नाउन है, रेन नाउन है ना. यहाँ पे कोई क्लॉज वगैरह नहीं आ रहा. यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा. क्लॉज के लिए कंजंक्शन चाहिए. बट यहाँ तो कॉमा आ गया, बाद में क्लॉज आया, इसके साथ कोई क्लॉज नहीं है। रेन, रेन इज नाउन और हैवी एडजेक्टिव है, और नाउन के साथ क्या चाहिए, नाउन के साथ प्रेपोजिशन चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है। इंस्पाइट ऑफ, irrespective of the fact, irrespective of the fact कि both the sentences are contradictory, but according to the context ना, you students have to divide whether in a particular, decide whether in a particular sentence you need a conjunction or you need a preposition. यहाँ पे you, we had a noun, okay, we had a noun so we needed a preposition, और यहाँ पे we had a conjunction, sorry we had a clause so we needed a conjunction. ठीक है, इंस्पाइट और डिस्पाइट भी लगा सकते हो, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगे। नेक्स्ट, ऑल दो या डिस्पाइट द वॉच वॉज एक्सपेंसिव ही बॉट इट, ये जो घड़ी था ना महंगा था बट फिर भी उसने खरीद लिया। चलो जल्दी से बता दो, ए टू जेड सीरीज भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हो जाएगा, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। क्या होगा, अच्छे से देखो, घड़ी महंगा था फिर भी उसने खरीद लिया, ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। अब देखो ना सेंटेंस पे ध्यान से देखो, द वॉच, द वॉच लगा, द वॉच सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है तो वो क्लॉज बनता है, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। नीचे वाला सेंटेंस बताओ, वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद भी हम बाहर चले गए। लास्ट वाला सेंटेंस में क्या होगा, अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स ना, शायद हमारे स्टूडेंट्स लिखने में बिजी है इसीलिए ना अननेसेसरी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। ये सब आप क्लोज टेस्ट एरर्स वगैरह बनाओगे ना तो काफ़ी हेल्प करने वाला। बोथ आर करेक्ट, अरे बोथ आर करेक्ट, रेन, रेन नाउन है, रेन नाउन है और नाउन के साथ तो हमें प्रेपोजिशन चाहिए, हम इंस्पाइट ऑफ भी लगा सकते हैं, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा लेना, और डिस्पाइट ऑफ भी लगा सकते हैं, सॉरी डिस्पाइट भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ लगा होता ना, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, इन स्पाइट ऑफ लगा होता और डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा होता ना, तब हम क्या करते, इन स्पाइट ऑफ को चुनते, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, नहीं लगता है, नहीं लगता। बोथ आर करेक्ट, यस। दो या ऑल दो माई हस्बैंड डिडेंट लाइक द मूवी आई एंजॉयड इट अ लॉट, बताओ, दो या ऑल दो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दो और ऑल दो आर इंटरचेंजेबल। दो, माई हस्बैंड डिडेंट लाइक, माई हस्बैंड इज सिंगुलर, माई हस्बैंड सब्जेक्ट है और डिडेंट लाइक वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब मिल के क्लॉज बना रहा है। तो बच्चों का कहना होता है ना कि मैम दो और ऑल दो में क्या डिफरेंस है, दोनों इंटरचेंजेबल है, एक की जगह दूसरा लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट, दोनों कंजंक्शन है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है। लेकिन याद रखना हम एज दो वर्ड लगाते हैं, एज दो का मतलब है जैसे कि, मानो कि, बट एज ऑल दो नहीं होता है, एज ऑल दो नहीं होगा बट एज दो होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है, एज दो होता है, ऐसे दोनों इंटरचेंजेबल, दोनों कंजंक्शन है, एक के बदले दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ना कुछ फिलअप्स करके बताओगे। आज क्या, मैंने कल से ही स्टार्ट किया था, कल से आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन पढ़ाना शुरू किया था। कौन सा कंजंक्शन कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ठीक है, ऑल दो, ये सब सारा बता दिया था, बट, येट, स्टिल, वेर एज, वाइल, ये सारा कॉन्ट्राडिक्टरी था। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस करके बताओ, कुछ क्वेश्चंस करके बताओ। डैश, शी इज़ यंग, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, यंग होने के बावजूद, जनरली हम यंग एज में क्या होता है, बहुत यंग एज में हम अपने पेरेंट्स के पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यंग होने के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट है, इतना यंग एज में भी इंडिपेंडेंट है। तो चलो बताओ, आंसर बता दो इसी बात पे। अभी मैं आपको बहुत सारे कंजंक्शंस करवाने वाली है, ये बिकॉज, यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन तो बिकॉज भी है, कंजंक्शन तो ऑल दो भी है, वेदर भी कंजंक्शन है और अनलेस भी कंजंक्शन है, सारे कंजंक्शंस है, सारे कंजंक्शंस है। ठीक है, सारे कंजंक्शंस है, लेकिन ये ध्यान रखना है ना कि ये जो बिकॉज है ना, ये कारण बताने वाला कंजंक्शन, रीज़न बताने वाला, रीज़न रीज़न। और ये जो ऑल्दो है ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन में यूज़ होता है, विरोधाभास वाले में, कॉन्ट्रडिक्शन में। और ये जो वेदर है ना, ये भी कंजंक्शन है, बट ये डाउट बताता है, जहाँ भी कोई चीज़ अनिश्चित हो। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ भी डाउट आ जाएगा, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो, अनसर्टेन हो, तो उसके साथ हम वेदर लगाते हैं। और मैं अभी आपको बहुत सारे कंजंक्शन पढ़ाने वाली हूँ। ये जो अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आप सफल नहीं होगे। तो अनलेस कंडीशन बता रहा। अब देखो यहाँ कंडीशन का सेंस नहीं जा रहा है ना, या यंग होने के बावजूद भी वो बहुत इंडिपेंडेंट है, विरोधाभास जा रहा है। तो ऑल्दो आएगा, सिंस सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्शन है। आज हम लोगों ने कल से आज तक में सारे कॉन्ट्रडिक्टरी कंजंक्शंस किए हैं, उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। शी इज़ इंडस्ट्रियस डैश इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड इन हर फील्ड। चलो बताओ, शी इज़ इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इतनी मेहनती है, बट फिर भी ना उसको रिकग्निशन नहीं मिला है। ओके, बट फिर भी उसको जितना अपने क्षेत्र में मिलना चाहिए रिकग्निशन ना, मतलब जितना उसको पहचान मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, एंड तो नहीं होगा, येट 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 होगा। एल्स का मतलब क्या होता है? एल्स कंडीशन बताता है। ठीक है, मैं कंडीशन बताने वाला आपको क्लोज टेस्ट करवाऊँगी। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। एल्स कंडीशन बताता है, तो एल्स मत लगाना। एल्स का वही मतलब होता है अदरवाइज के सेंस में, कड़ी मेहनत करो अन्यथा के सेंस में, अदरवाइज के सेंस में। तो यहाँ तो कंडीशन नहीं बता रहा। येट, येट भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है। एल्स नहीं होगा, एल्स नहीं होगा, एल्स नहीं होगा। येट, येट कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है ना, येट उसको पहचान नहीं मिली है। नेक्स्ट, अभी मैंने सारा कॉन्ट्राडिक्टरी रखा है तो आराम से पिक कर लोगे कि मैम ने कॉन्ट्राडिक्टरी का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो वही वाला होगा। ही हैड विजिटेड द प्लेस अ फ्यू टाइम्स, ही कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक। यद्यपि कई बार वो उस जगह जा चुका है, बट फिर भी वो रास्ता नहीं जान पा रहा था। ही कुड नॉट फाइंड, रास्ते का पता नहीं लगा पा रहा था। एल्स के बाद शुड जरूरी नहीं है, वो लेस्ट के बाद शुड चाहिए। लेस्ट, लेस्ट के बाद, एल्स के बाद नहीं। हाँ बताओ, और हाँ ऑल्दो होगा, ऑल्दो होगा या दो होगा, और दो होगा। दो ही हैड विजिटेड, यद्यपि उसने बहुत बार उस जगह को विजिट किया है, बट फिर भी वो रास्ता भूल रहा था। अब आप मुझे बताओ कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि दो भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए होता है, और इवन इफ भी कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए होता है, और सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, तो मैंने इवन इफ क्यों नहीं लगाया? आप मुझे बताओ। हाँ, मुझे एक दो का भास, विजय का आंसर आ रहा है इवन इफ। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इवन इफ भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होता है और दो भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होता है, बट इस वाक्य में ना मैंने इवन इफ नहीं लगाया, दो लगाया। वाई वाई? दिमाग लगाओ, कल ही बताया था मैंने। हेंस का मतलब है इसलिए, हेंस ही विल वर्क। हाँ विजय भारती, दैट इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, व्हाई डिडंट आई यूज इवन इफ। यस, येस्टरडे इटसेल्फ वी हैड डन ना द डिफरेंस बिटवीन इवन इफ एंड इवन दो। इवन इफ में द एक्शन इज इनकम्प्लीट, द एक्शन इज इनकम्प्लीट। ओके, but here the action is complete. He had visited, he had visited is past perfect. Past perfect itself signifies that the action is complete, and if the action is complete we cannot use even if. If instead of even if we had even though, then even though would also have been correct, वो भी correct हो सकता था। Action complete है तो हम even if नहीं लगा सकते, even though लगा सकते थे। Next, हाँ पहले तो मुझे बताओ, करवा दिया मैंने ये सारा। कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट बताता है, और वो जैसे कुछ प्रेपोजिशंस भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, कुछ कंजंक्शन भी कॉन्ट्रास्ट बताता है। आपको डिसाइड करना है कहाँ प्रेपोजिशन चाहिए, कहाँ कंजंक्शन चाहिए। एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वो सारे कंजंक्शंस का कलेक्शन करने वाले हैं ना, जो रीज़न बताएगा, कुछ कंडीशन बताएगा। एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दो। मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं हिंदी में नहीं समझा सकती हूँ, और मैं लगातार ना इंग्लिश बोल रही हूँ, अभी भी मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ना मैम हिंदी में भी समझा दिया करिए, अभी भी तो मैं इंग्लिश ही बोल रही हूँ। ओके, मैं हिंदी अच्छे से पढ़ के आऊँगी तब आपको हिंदी में बात करूँगी, अभी मैं इंग्लिश में कर रही हूँ। यस, इट्स क्लियर। अब आ जाओ, लेट्स डू सर्टेन कंजंक्शंस ना जो रीज़न बताता है। ओके, इन द बुक्स एंड ऑल ना यू विल नॉट हैव सच अ बाइफर्केशन ऑफ कंजंक्शन। बुक्स में भी आपको इतना कंजंक्शन बाइफर्केट कर करके नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला है ना कि इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए, बुक में भी नहीं मिलने वाला है बाइफर्केट करके कौन रीज़न बता रहा है, कौन कंडीशन बता रहा है, कौन कॉन्ट्रडिक्ट्री जा रहा है, कौन सा कॉन्ट्रडिक्ट्री जा रहा है। ठीक है, यस, हिंदी में आएगा उनका रीज़न। रीज़न का मतलब है अब हम पढ़ेंगे जो कंजंक्शन जो कारण बताते हैं, जैसे बिकॉज भी कारण बताता है, एज भी कारण बताता है, और सिंस भी कारण बताता है। वैसे ये सारे कंजंक्शंस है, ठीक है, सारे कंजंक्शंस है। तो आप मुझे बोलोगे ना, आप मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो सिंस एंड फॉर, सिंस तो हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रेपोजिशन में भी, हाँ प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ सिंस को एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने लिखा ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे। ठीक है, मैंने लिखा ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ही हैज़ या आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, या मैंने लिखा सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट कम। ये जो सिंस है ना, ये वाक्य में सिंस एंड फॉर जो होता है, ये वाक्य में टाइम भी बताता है और ये वाक्य में रीज़न भी बताता है, कारण भी बताता है। पहले तो मुझे बताओगे कि ऊपर वाले सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऊपर वाला सिंस क्या है, ऊपर वाला सिंस क्या है। क्योंकि ध्यान रखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इस सेशंस में वही बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए नहीं है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, क्योंकि मैं उसी पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ा रही हूँ, एग्ज़ाम एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही हैज़ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे बीन डाल दो, छूट गया, ही हैज़ बीन एब्सेंट। ऊपर वाला सेंस क्या बता रहा है, हाँ ये ऊपर वाला सेंस टाइम बता रहा है। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम, जब से वो गया है ना मैं नहीं मिला हूँ, यहाँ भी टाइम बता रहा है। और सिंस ही वो जिल, चूँकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, यहाँ का सेंस कारण बता रहा है, तो चलो मुझे बताओ ऊपर वाला सेंस क्या है, किसी को जोड़ वोड़ नहीं रहा है, तो ऊपर वाला सेंस प्रेपोजिशन है। और नीचे वाला सेंस जो है ना, ये वाला सेंस है, नो डाउट टाइम ही बता रहा है, बट कंजंक्शन है। कैसे पता चला कंजंक्शन है, ये है सब्जेक्ट, हैव नॉट मेट वर्ब, अगेन ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, एक साइड में यहाँ क्लॉज और एक साइड में यहाँ क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है सेंस। तो सेंस यहाँ पे कंजंक्शन है, सेंस यहाँ पे कंजंक्शन है, और यहाँ भी सेंस कंजंक्शन है। देखो सब्जेक्ट है वर्ब, और ये भी है सब्जेक्ट है वर्ब, दो क्लॉज को सिंस जोड़ रहा। अगर मैं बोलती ही वॉज इल, ऐसा मैं सेंटेंस लिखती, ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, ये दो वाक्य है, और ये दो वाक्य को मैं ना मैंने सिंस से जोड़ दिया, सिंस ही वॉज इल, ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन हो गया। तो सिंस कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, सिंस प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है, और यहाँ मैं सिंस को यूज़ कर रही हूँ ना, किस सेंस में, कारण बताने वाले कंजंक्शन। ओके, यस, जो तो बिकॉज भी कारण बताता है, एज भी कारण बताता है, और सिंस भी कारण बताता है। एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। ओके, नेक्स्ट वाला अब आ जाओ। हाँ, आई कुडेंट कम्प्लीट द वर्क बिकॉज आई वॉज इल, मैं काम को नहीं कर पाया क्योंकि मैं इल था, तो यहाँ जो बिकॉज है कारण बता रहा है। और यहाँ भी देखो एज आई वॉज इल भी सही है, और सिंस आई वॉज इल भी, सिंस आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स, क्योंकि मैं 10 घंटे से ड्राइव कर रहा था, मैं थक गया। तो यहाँ पे कारण बता रहा है, कारण ही बता रहा है। सिंस ड्यूरेशन नहीं बताता है, सिंस गुफरान फॉर ड्यूरेशन बताता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करवाने लगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी तो बस मैंने बता दिया कि ये सारे कंजंक्शन कारण बताते हैं, कारण कारण। हम बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। कुछ बुक्स में मिल जाएगा, बट एसएससी में हमारे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, बिकॉज ही वॉज इल ही कुडेंट कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि मैम सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट नहीं हो सकता, हो सकता है। बिकॉज सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। बिकॉज भी कारण बताता है, ठीक है, बिकॉज भी कारण बता रहा है, और बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है। ऑफ लग गया, कारण बताता है, रीज़न बताता है। बोथ ऑफ देम नो डाउट दे डिनोट रीज़न, कारण बताता है। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? बस सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको ये सब क्लोजरेस में मिलने वाला है, फिलअप्स में, कि ये कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन लिख दिया है मैंने, सिंस 2 वर्ड का है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख लीजिए। प्रेपोजिशनल, इसको कॉपी करिए, उसके बाद मैं सेंटेंसेस देना शुरू कर रही हूँ। ओके, आई विल स्टार्ट गिविंग द सेंटेंसेस। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, देख देख के चले जाते हो। सिर्फ 817 वॉचिंग और 651 लाइक्स, वेरी गुड। जो भी क्वेश्चन है पूछते जाइए। पहले ये नहीं बोलना मैम आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, एंड देन आफ्टर 12 मिनट्स ही लास्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन जो भी है, डाउट है, पूछिए। मुझे लगता है ना कि जो डाउट अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड है तो आई विल सॉल्व योर क्वेरी। हाँ, अब बोलोगे कि मैम बिकॉज भी कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ भी कंजंक्शन है, बिफोर बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है। उसी तरह ड्यू टू, तो मान के चलो ना ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू, ओइंग टू, ये सारे ऐसे प्रेपोजिशंस है जो रीज़न बताते हैं। ये सब प्रेपोजिशन है, ये सब प्रेपोजिशन है। ओके, चलिए सेंटेंसेस करते हैं। बिना सेंटेंस के कुछ थोड़ी होने वाला। डैश आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ्स, आई लॉस माई जॉब। चूँकि मैं बीमार था मतलब मंथ्स तक, महीनों तक, तो मैं मेरी जॉब चली गई। बताओ क्या होगा? Just see, I was ill. What is I? Due to is a preposition. Because of is also a preposition. और सब कारण ही बता रहा है। All the three words they are denoting reason. But you have to identify कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। I subject है, subject के बाद verb चाहिए, और subject verb मिलके clause बना रहा है, और clause के साथ conjunction चाहिए। Conjunction, ये दोनों तो preposition है। Next, it's raining again. डैश वी हैव टू कैंसिल द ट्रिप। अरे यहाँ तो ये गलती से आ गया। सो तो कारण नहीं बता रहा है। यहाँ पे चलो ये सेंटेंस आ गया। जब भी किसी कंक्लूजन निकालना होता है ना तो हम सो का यूज़ करते हैं, सिंस को हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर सकते हैं। ये तो इजी वाला आ गया। हाँ, सो इसलिए बारिश हो रही है, इसलिए तो निष्कर्ष निकाला हमें अपना ट्रिप को कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक डैश आई वॉज फीलिंग टायर्ड। देयरफॉर और सो जो होता है ना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो ना तो हम लगाते हैं इसलिए, और बिकॉज कारण बताता है। हाँ बताओ। I decided to take a break. because I was feeling tired. Next, we were late dash it rained. हम लेट हो गए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी. जल्दी 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 हम लेट हो गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी. बिकॉज होगा क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब मिल के क्लॉज चाहिए, क्लॉज बनाता, और क्लॉज के लिए कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन. बट ये क्या है, ये तो आपका प्रीपोजिशन है और ये भी आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन. नेक्स्ट वाला, द मैच वॉज कैंसल डैश बैड वेदर. बिकॉज ऑफ आ गया ना. दोनों सही है, कारण बता रहा है बैड वेदर. वेदर क्या है, नाउन, और नाउन के साथ हम, नाउन के साथ प्रीपोजिशन चाहिए, तो दोनों सही है. ये दोनों प्रीपोजिशन है, बिकॉज तो कंजंक्शन है, दोनों सही है, दोनों सही है. बिकॉज ऑफ बैड वेदर भी लगा सकते हो, ड्यू टू बैड वेदर भी लगा सकते, दोनों सही है. ड्यू टू भी सही है, बिकॉज ऑफ भी सही है, दोनों करेक्ट है. दोनों, सिर्फ ड्यू टू क्यों बोल रहे हो, बिकॉज ऑफ इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, बिकॉज ऑफ बैड वेदर एंड ड्यू टू इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, हम दोनों लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट. हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया वो सारे कंजंक्शंस जो कारण बता रहा था, रीज़न बता रहा, रीज़न बताने वाले कंजंक्शंस पे मैंने आपको बता दिया एज, सिंस एंड बिकॉज, और फिर उसमें मैंने ड्यू टू और वो सब भी जोड़ दिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अब हम कुछ ऐसे कंजंक्शंस पढ़ेंगे ना, जैसे आप स्टूडेंट वेट कर रहे होगे कि अरे मैम वो सब क्यों नहीं करवा रहे हो, वो सब हम लास्ट में करेंगे, वो सब तो सब किताब में मिल जाएगा. इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है, इसी का वेट कर रहे होगे ना, मैम नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, आपने वो सब अभी तक नहीं करवाया. लेस्ट के साथ शुड लगता है, ठीक है, और वेदर के साथ नॉट लगता है, इफ अनलेस, वो सब क्यों नहीं करवा रहे हो मैम, वो सब होगा, वो सब होगा. पहले तो हम कंजंक्शन का ना एकदम बेसिक क्लियर कर लें. कंजंक्शन को ऐसा पढ़ के जाना है ना कि आराम से किसी को पढ़ा दोगे. कंजंक्शन को मैं डिफरेंट एंगल से पढ़ा रही हूँ. कंजंक्शन को हम लोग एरर डिटेक्शन के पर्पज़ से भी पढ़ रहे हैं. कंजंक्शन को अभी तक ना हम कंजंक्शन को क्लोज टेस्ट के हिसाब से पढ़ रहे थे. क्लोज टेस्ट और फिलअप्स में अगर कंजंक्शन 4 ऑप्शन में आ गया है तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, कहाँ कंजंक्शन है, कहाँ प्रीपोजिशन है, कहाँ कारण बताने वाला कंजंक्शन है, कहाँ कंडीशन बताने वाला है. तो टेंशन नहीं लेने का है कि मैम वो सब छाप क्यों नहीं रहे हो, कि वो सब भी छपेगा, वो सब भी छपेगा. लेकिन अभी क्या करना, एकदम बेसिक पढ़ लेना. कहीं से भी कुछ भी कंजंक्शन से एरर आया है ना, आप आराम से कर लोगे. ओके, आराम से कर लोगे. कुछ तो वेट कर रहे होंगे अपने कॉपी में छापने के लिए, इधर और, नीदर और, ऑन अकाउंट ऑफ. यस, अब आ जाओ. सो दैट, ये जो कुछ कंजंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सो दैट, इन ऑर्डर डैट, आपने ये भी पढ़ा होगा ना. देखो ये देखना, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं अच्छे मार्क्स के पर्पज़ के लिए, अच्छे मार्क्स के पर्पज़ से. ओके, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू भी होता है और इन ऑर्डर डैट भी होता है, और दोनों पर्पज़ ही बताता है, उद्देश्य बताता है, दोनों पर्पज़ बता रहा है. यहाँ भी पर्पज़ बता रहा है और यहाँ भी पर्पज़ बता रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो इन ऑर्डर डैट है ना, ये प्रीपोजिशन है, इन ऑर्डर टू प्रीपोजिशन है, और इन ऑर्डर जो डैट है ना, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन है. ठीक है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो जो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है ना. कोई आपसे पूछे कि इन ऑर्डर टू भी तो पर्पस बताता है, इन ऑर्डर डैट भी तो पर्पस बताता है, बट क्या डिफरेंस है, तो इन ऑर्डर डैट इज अ कंजंक्शन, इन ऑर्डर डैट कंजंक्शन है. अगर ये कंजंक्शन है तो अपने साथ क्या लेगा, अपने साथ क्लॉज लेगा, क्लॉज लेगा, और इन ऑर्डर टू के साथ वी वन लगा दें, ये हो गया। और दूसरा सो दैट वी ईट सो दैट वी लिव, हम खाना खाते हैं ना ताकि हम जी सके, तो ये जो सो के साथ जो दैट लगता है ना, ये पर्पस बताता है, ठीक है, पर्पस बताता है। और एक अकेला ये कंजंक्शन पर्पस बताता है, और ये कंजंक्शन ही है, लेकिन एक कंजंक्शन सो भी होता है, अकेला सो भी एक कंजंक्शन होता है जो रिजल्ट बताता है। इसलिए हमने कड़ी मेहनत की, इसलिए कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, रिजल्ट बताता है। तो थोड़ा स्लाइड वाले वर्ड्स को कॉपी कर लो, स्लाइड वाले में जितने भी वर्ड्स हैं ना उसको कॉपी कर लो। इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन है और इन ऑर्डर डैट कंजंक्शन है। और आप बोलोगे कि मैम सो डैट भी तो कंजंक्शन है और सो भी तो कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ सो के साथ डैट मिल के पर्पस बताता है, ठीक है, पर्पस बताने वाला है। बट अकेला सो जब वाक्य में यूज़ हो ना तो ये रिजल्ट बताता है, रिजल्ट। ओनली दैट अभी नहीं करेंगे, अभी ओनली दैट क्यों यूज़ करेंगे, जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो ना। ओके, सो के साथ दैट कंजंक्शन लगता है, पर्पस बताता है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आइए। ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड, ये तो सही है ना, उसने कड़ी मेहनत की जिसका रिजल्ट हुआ कि वो सक्सीड हो गया। अकेला सो ना, सो इसलिए तो वो सक्सीड हो गया, रिजल्ट बताता है। और सो और दैट का जब कॉम्बिनेशन आए ना तो वो पर्पस बताता है। अभी हम कंजंक्शन का बहुत बेसिक कर रहे हैं, पर्पस बताता है। ही वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू या सो दैट हैव मेडिकल चेकअप। अब क्या है, इन ऑर्डर टू भी पर्पस बताता है, इन ऑर्डर टू भी पर्पस बताता है, और सो दैट भी पर्पस बताता है, दोनों तो पर्पस बताता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि ये जो सो दैट है ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन में रूप में यूज़ करेंगे, और इन ऑर्डर टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है। अब मुझे बताओगे कि क्या चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए या कंजंक्शन चाहिए? कंजंक्शन चाहिए, यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अगर कंजंक्शन चाहिए होता ना तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता, सब्जेक्ट और वर्ब मतलब एक क्लॉज चाहिए होता, बट यहाँ तो क्लॉज वगैरह नहीं है, सीधा वर्ब है, वी वन फॉर्म है, इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप। ये आंसर हो, ये आंसर हो। सो दैट कहाँ से हो जाएगा, सो दैट कहाँ से हो जाएगा, सो दैट हैव मेडिकल चेकअप, सो दैट ही वुड हैव, ही रहता ना, ही वुड, सो डैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप तब लगाते हैं। हमें प्रेपोजिशन चाहिए इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप, हमें कंजंक्शन थोड़ी चाहिए, कंजंक्शन के लिए तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। नेक्स्ट, हाँ देखो, अब देखो वहाँ पे मैंने देखो क्या लगा दिया था, हैव था, हैव, ठीक है, अकेला हैव था और कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ना, बट यहाँ तो सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट तो था ही नहीं, क्लॉज तो बन ही नहीं रहा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया है, ही वुड हैव, और एक वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहाँ भी पर्पस ही बता रहा है, वो डॉक्टर के पास गया मेडिकल चेकअप के उद्देश्य से, तो यहाँ भी पर्पस बता रहा है। बट यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है, कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब नहीं। सो एज मैं अभी नहीं बताऊंगी, सो एज अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना बस वही पढ़ो। कुछ के दिमाग में आ रहा है मैम वो भी पढ़ा दीजिए ना, एज सो एज, वो सब बाद में, अभी नहीं, वो सब की ज़रूरत नहीं है अभी। बिकॉज ऑफ कारण बताता है ना, यहाँ कारण थोड़ी बता रहा है। नेक्स्ट वाला, ही एनकरेज्ड मी सो आई माइट, ये एग्ज़ाम का आया हुआ सेंटेंस है। ही एनकरेज्ड मी सो आई माइट नॉट लूज हार्ट, उसने मुझे प्रोत्साहित किया ताकि मैं हिम्मत नहीं हारूं। और यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके तो क्लॉज बनाता है, क्लॉज बनाता, और क्लॉज के लिए कंजंक्शन चाहिए, और सो हमारा कंजंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन हमारा है, लेकिन सो एज अ कंजंक्शन रिजल्ट बताता है। बट यहाँ रिजल्ट वाला सेंस नहीं जा रहा है ना, उसने मुझे एनकरेज किया ताकि मैं हिम्मत ना हारूं, तो सो दैट होना चाहिए था, कंजंक्शन ही गलत लगा दिया। एग्ज़ाम में आया हुआ सेंटेंस सो दैट चाहिए, क्योंकि सो तो रिज़ल्ट बताता है, बट यहाँ रिज़ल्ट थोड़ी बताया जा रहा है, रिज़ल्ट नहीं बताया जा रहा है। उसने मुझे इनकरेज किया ताकि, किस उद्देश्य से मुझे इनकरेज किया? ताकि मैं हिम्मत ना हारूँ। सो दैट आएगा, सो दैट दिमाग लग रहा होगा ना, उसीलिए टेंशन में आ रहे होगे। दिमाग जहाँ लगता है ना, और समझ जाओ जहाँ आपका दिमाग खर्च हो रहा है, जहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है, वहाँ वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नहीं तो इधर के साथ नौ और नीधर के साथ और, वो सब तो आते ही एग्ज़ाम में, सब बच्चे को पता है। कुमार गौरव, मेरे को ना इंग्लिश में मैथ सिर्फ 128 आया। और कुमार गौरव, शायद मैं आप ही का कमेंट पढ़ रही थी कि आपको इंग्लिश पढ़ते समय नींद आती है, तो भगवान ने आपके साथ उसी लिए ये किया। अगर आपको इंग्लिश पढ़ते समय शायद, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आई एम सॉरी, बट अभी मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी जिसको इंग्लिश पढ़ते समय नींद आती है। भाई किसने बोला है पढ़ने के लिए? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, छोड़ दो मत पढ़ो। तो कुमार गौरव, आपको अगर मैथ्स में आपका नंबर अच्छा है, इतना अच्छा नंबर है आपका मैथ्स में, 180s में आपका है, और इंग्लिश में इतना कम नंबर आ रहा है ना, तो अनअकैडमी का बैच ज्वाइन करो, अनअकैडमी का मेंस का बैच ज्वाइन करिए। ओके, मेंस का बहुत सारा बैचेस मेरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, देखिए। चलो ये हो गया नेक्स्ट वाला। अब हम करते हैं, अब असली खेल शुरू होगा, ठीक है? अब असली खेल शुरू होगा। आज बहुत लेंदी क्लास नहीं होने वाला है। ओनली क्या ये सेंटेंस में दो कंजंक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, ही वॉज इल, देखो ही वॉज इल एंड सो आई टूक हिम टू द डॉक्टर। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही वाक्य में दो कंजंक्शन नहीं लगा सकते हैं ना, जब दोनों कंजंक्शन एक ही चीज़ बता रहे हैं। ये देखो, सपोजिंग इफ ही फेल्स, या सपोजिंग इफ ही इज लेट, आई विल डू द वर्क, आई विल डू द वर्क। अगर वो लेट हो जाता है ना तो मैं इस काम को करूंगी। देखो यहाँ का सपोजिंग भी कंजंक्शन है, ठीक है? सपोजिंग भी कंजंक्शन है और इफ भी कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन है, और दोनों कंजंक्शन एक ही चीज़ बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। अगर वो लेट हो जाता है ना तो मैं इस काम को करूँगा। तो दोनों तो एक ही मतलब दोनों कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ बता रहा है। तो कोई एक हटा दो, कोई एक हटा दो, सिर्फ लगा दो सपोजिंग ही इज़ लेट, अगर वो लेट हो जाता है तो मैं इस काम को करूँगा, या इफ़ ही इज़ लेट, दोनों में से कोई एक हटा दो, क्योंकि दोनों कंजंक्शन तो एक ही चीज़ बता रहा है ना, कंडीशन बता रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा दो कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पे हम एंड से जोड़ रहे हैं और सो से रिजल्ट बता रहे हैं। ही वॉज इल, वो बीमार था, और इसलिए मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। तो वी कैन यूज़ टू कंजंक्शंस, बट दोनों कंजंक्शंस दो अलग अलग चीज़ बताए। एंड से हम जोड़ रहे हैं और सो से रिजल्ट बता रहे हैं, बट नीचे वाले में तो दोनों सेम ही है। ओके, अरे जो सो दैट आ रहा है ना, वो सो तो एडवर्ब ही है, उसके साथ मैं दैट कंजंक्शन लगा रही हूँ। अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा एक साथ मत पूछो, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना, चलो आपने पूछ दिया है तो मैं बता ही दूँ, जो कि पीछे वाले स्लाइड में है। अब एक बच्चा का क्वेश्चन आएगा, नहीं बताऊँगी ना तो उनको नींद नहीं आने वाली है। देखो, नोट कर लो, नोट कर लो। जब हम सो और दैट को अलग अलग तोड़कर लगाते हैं ना, तब वो रिजल्ट बताता है, ठीक है? और वाक्य में अलग से मैं इसको बताऊंगी भी, हमारे स्लाइड में है भी, इसलिए अभी ना क्वेश्चन मत पूछिए, टाइम डिस्टर्ब मतलब किल होता है। सो दैट जब एक साथ बताता है तो पर्पस है। कभी कभी ना सो और दैट टूट कर आता है, जैसे लिखा मैंने ही इज़ या ही वॉज सो हैप्पी, इतना खुश था, ही वॉज सो हैप्पी दैट ही फॉरगॉट टू टेक हिज पेपर्स। वो इतना खुश था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने कागजात ले जाना ही भूल गया। तो आप देखो यहाँ पे सो अलग है और हैप्पी डैट अलग है। सो और डैट के बीच में एक ये क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। वो इतना खुश था जिसका परिणाम ये हुआ कि अपना रिजल्ट अपना कागजात ले जाना ही भूल गया। तो जब सो और दैट स्प्लिट होकर आए ना, रिजल्ट बताए, जब एक साथ आए तो पर्पस बताता। पर्पस पर थोड़ा टाइम दीजिए, जब मैं पूरा पढ़ा लूँ ना उसके बाद पूछना है, ठीक है? नहीं तो आप बीच बीच में बोलोगे ना, टाइम किल हो जाता है, टाइम किल हो जाता है। चलो यहाँ इस ये चैनल पे ना, ये चैनल पे मुझे वही बच्चे दिखते हैं ना जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले। मुझे कमेंट बॉक्स के रफ्तार से पता चल जाता है आज एकदम बच्चे लिखने के मूड में हैं और एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। यस, यहाँ सो एडवर्ब है, दैट यहाँ पे डैट जोड़ रहा है ना, डैट जोड़ रहा है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। सो तो एडवर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। नेक्स्ट वाला ओके। अब हम कुछ करेंगे। अभी तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम दो कंजंक्शन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कब नहीं आएगा, जब दोनों कंजंक्शन एक साथ एक ही चीज़ बताएं, क्योंकि ना इसमें मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है। टुडे आई एम इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, आज मेरे को बहुत सारा टाइम लगने वाला है। ये देखो, अब हम पढ़ेंगे वो सारे कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, ठीक है? कंडीशन मतलब अगर, अगर आप मेहनत करते हो तभी पास हो गए। यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड। तो अनलेस कंडीशन बताता है, इफ भी कंडीशन बताता है, लेस्ट का मतलब होता है ना अन्यथा, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे। अदरवाइज मतलब भी अन्यथा, एल्स का मतलब भी अन्यथा, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। एक प्रोवाइडेड कंजंक्शन भी होता है और एक प्रोवाइडेड वर्ब भी होता है। मैंने यहाँ प्रोवाइडेड को एज अ कंजंक्शन यूज़ किया जो कंडीशन बताएगा। कहाँ से हो आप, कहाँ से हो, ये एग्ज़ाम में आएगा, 5 बार पूछ रहे हैं। कहाँ से हो आप, कहाँ से हो। अनटिल टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? सपोजिंग भी कंडीशन बताता है, ओनली इफ़ भी कंडीशन बताता है। यू विल सक्सीड ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ भी कंडीशन बताता है और ओनली इफ़ भी कंडीशन बताता है। तो अब हम सारे वो कंजंक्शंस पे मैम बिहार से है, वो सारे कंजंक्शंस पे फोकस करेंगे जो कंडीशन बताता है, ठीक है? ओके। और प्रोवाइडेड वैसे तो सारे कंजंक्शंस है, बट प्रोवाइडेड एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है। ये सेंटेंस देख लो, ही वॉज प्रोवाइडेड विथ द बेसिक नीड्स। यहाँ है, फिर लिखा मैंने ही विल सक्सीड। इसमें बहुत मज़ेदार है, कल करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैम कितना ज़्यादा टाइम लग गया, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। ये जो भी कंजंक्शंस कंडीशन बताते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। ओके, बहुत जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेरे को ये कंडीशन बताते बताते तक ना 6-7 स्लाइड यूज़ हो जाएगा। ओके, 6 अनलेस का मतलब भी होता है जब तक। ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। वो सक्सीड तभी करेगा ना जब वो कड़ी मेहनत करेगा। चलो बताओ पहला वाला क्या है। नवादा बिहार से है चलो पहला वाला क्या है? ही वॉज प्रोवाइडेड, उसको बेसिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाया गया। तो यहाँ का प्रोवाइडेड वर्ब है, वर्ब, ठीक है? और यहाँ का प्रोवाइडेड कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन होता तो किसी को जोड़ता उड़ता है ना, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा जा रहा है। यहाँ प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध करवाया गया, यहाँ प्रोवाइडेड कुछ क्रिया बता रहा है, इसका मतलब है वर्ब है। बट यू विल सक्सीड बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करो, यहाँ का प्रोवाइडेड कंडीशन बता रहा है। कंडीशन ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। इस साइड एक क्लॉज और इस साइड ये क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को प्रोवाइडेड जोड़ रहा है। आप कड़ी मेहनत तभी करोगे ना, आप सफल तभी होगे बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करोगे। तो यहाँ का प्रोवाइडेड कंडीशन बता रहा है, ठीक है, और ये कंजंक्शन है, बट यहाँ का प्रोवाइडेड इज अ वर्ब। ठीक है, हाँ। कहाँ से हो? अब सेशन को एंड किया जाए, ठीक है। इसको मैं ना, क्योंकि इसको अगर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ ना तो मुझे टाइम लगने वाला है और मेरे पास टाइम की कमी है, और इसको मैं बीच में रोक देती हूँ ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कल हम करने वाले हैं कौन सा कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, और मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैम ये सारे कंजंक्शन तो कंडीशन बताते हैं, कैसे पता चलेगा कहाँ इफ़ लगेगा, कहाँ अनलेस लगेगा, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोवाइडेड कहाँ लगाते हैं, इन केस कहाँ लगाते हैं, लेस के साथ क्या लगता है, ये सब हम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बशर्ते से अच्छा इंग्लिश है। ये ना बहुत है, अभी ये पढ़ाना होगा मुझे, फिर बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जो मुझे आपको करवाना होगा। आई विल हैव टू फिल द फॉर्म, ओके। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ा दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्लास में ये कहाँ से आ गया यूज़ ऑफ कंजंक्शन, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा दूंगी मैं। बहुत सारा एक साथ करवाना होगा, देखो इतना स्लाइड मुझे यूज़ करना होगा तब जाके ख़त्म होगा, और मैं नहीं चाहती ना कि मैं बीच में रोकूँ, इतना सारा स्लाइड है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे और मुझे रुकना कहाँ होगा, मुझे यहाँ तक रुकना होगा। कल करेंगे, कल अच्छे से खा पी के आइएगा, ब्रेकफास्ट करके एनर्जी के साथ, ठीक है। चलो अपने बैचेस के बारे में बता दूँ। एक मेरे अभी अनअकैडमी पे 2 बैचेस चल रहे हैं, एक 3.5 का बैच चल रहा है, ठीक है, 3.5 का बैच तो प्रैक्टिस वाला है, और एक ग्रामर का चल रहा है। आज ग्रामर के बैच में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट किया है, जीरेंट, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। तो ये तो बेसिक ग्रामर का बैच है, मंडे से फ्राइडे चलता है, और ये भी नया बैच है, उसमें 2-3 टॉपिक ही हुआ है। और सबसे ब्यूटीफुल बैच ऑफ द ईयर इस 22 अगस्त वाला बैच है जो प्रैक्टिस का है, जिसमें मैं वोकैब, क्लोज टेस्ट, समुद्र मंथन चल रहा है इसमें, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, और मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया है, फ्रेजल वर्ब को मैं बार बार आपसे रटवा रही हूँ। फ्रेजल वर्ब को ना रटने का ही काम करना है, और बच्चों के डिमांड पे मैंने इसमें एरर का, मिक्स्ड एरर्स का प्रैक्टिस भी डाल दिया है ताकि बच्चों का फ्लो ना टूटे। तो ये बैच में ना मुझे लगता है कि 1.5 घंटा तुरंत बीत जाता है, इस बैच में इतनी सारी चीज़ें करवाने को है ना, तो मुझे लगता है इस बैच को 2 घंटे पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर ये भी लगता है 2 घंटे पढ़ के बच्चे बोर हो जाएंगे। तो ये बैच भी बहुत खूबसूरत बैच है, 3:30 से 5 का बैच है, मंडे से फ्राइडे प्रैक्टिस बैच, और इन दोनों बैचेज़ में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है। एक एडमिशन लोगे तो आपको दोनों बैचेज़ मिल जाएंगे। एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके ये कोड यूज़ करना है, RANI10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तो 30% चल रहा था, कल डिस्काउंट का लास्ट डे था, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब 10% मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पे कॉल करिएगा, ये सौरभ का नंबर है। कभी कभी स्टाफ हमारे बिजी रहते हैं, नंबर ना उठाए, बट 2-3 बार कॉल करना, ये कर लेंगे, इस नंबर पे करना, ये एक्टिव रहता है, ठीक है। ऑल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे ना, चलो मैं सोचती हूँ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। ये सारे अनअकैडमी के आपके बैचेस हैं, ओके। अनअकैडमी लाइट फेस्टिवल है, इनका और भी बहुत सारा चीज़ है, मिशन अनअकैडमी, रैंकर्स बैच, ये बैच, वो बैच, शिखर बैच, टारगेट बैच, स्टेनोग्राफर बैच, लक्ष्य बैच, जनरल स्टडीज़ बैच, बैच करिए। अनअकैडमी पे एक बार एडमिशन लोगे ना आपको महंगा नहीं लगेगा। देख लो, अपने फ्रेंड वगैरह से बात कर लो कि अनअकैडमी का फीडबैक ले लो, और ये जो प्राइस है ना, मतलब प्राइस नहीं बोलो, ये जो फीस है, इस फीस में आपको सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी मिलने वाला है, आपको पूरा कोर्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, GS मिलेगा, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग कंजंक्शन का पूरा अनटिल और अनलेस और वो सब वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेशंस, हाँ, एक बार जब सेशंस ख़त्म हो जाए ना, जो स्टूडेंट्स हमारे रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना, एक बार कमेंट्स वगैरह में बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, वो सब कमेंट करिएगा, कुछ सजेशंस वगैरह दीजिए, और क्या चाह रहे हो आप, सजेशंस वगैरह ज़रूर देना, और सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। कल मिलते हैं। वाइट बोर्ड वाला वीडियोस देख रहा था ना, हाँ। आप मेरे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस देखोगे ना तो आप देखोगे कह रहे कि मैम ने कितना अपने मतलब मैम का ग्राफ धीरे धीरे कितना बढ़ गया है, मैम ने कितना स्ट्रगल कर करके पढ़ाया है। जो व्हाइट बोर्ड जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तब तो मैं सी व्हाट एग्जैक्टली वाज यूट्यूब, मतलब यूट्यूब से आपकी रीच कितनी बढ़ सकती है ना, ये सब का मुझे कोई आइडिया नहीं था। ओके, लेट मी शेयर समथिंग विथ माई स्टूडेंट्स। कुछ आइडिया नहीं था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। किसी ने मुझे बोला, मुखर्जी नगर में मैं थी, कि मैम यूट्यूब स्टार्ट कर दीजिए, बच्चों तक आपकी रीच और बढ़ जाएगी। ठीक है, तब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी और कैमरा से मैंने स्टार्ट किया। और जब मुझे सिल्वर बटन आया था ना, बहुत जल्दी हमें सिल्वर बटन हम लोग को मिल गया था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है सिल्वर बटन, मुझे लगा कुछ गिफ्ट विफ्ट होगा। लेकिन अब मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे सिल्वर बटन बहुत अच्छा अचीवमेंट है। आपका जब 1 लाख होता है दैट इज़ अ बूस्ट। ओके, तो धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा, स्टूडेंट्स तक हमारी रीच बढ़ती चली गई। और फ्री बैचेज़ है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का सोशल सर्विस भी हो रहा है। ओके, मेरी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कई सारे बच्चों का जब मैसेज आता है कि मैम हम आपका पेड बैच नहीं ले पा रहे थे, हमने यूट्यूब देख के बच्चे 190 तक निकाले हैं। ये स्टूडेंट पे है, कितने अच्छे से कंटेंट को वो यूज़ कर रहा है, नोट्स बना रहा है। ओके, स्टूडेंट्स के मैसेजेस में हम आपके खेत में जाके आपके वीडियोस को टावर के नीचे डाउनलोड करके फिर घर में आके देखते हैं। मैम आपको मतलब अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स का कॉमेंट्स अच्छा लगता है जब बच्चों का इम्प्रूवमेंट होता है ना। ठीक है, तो टीचर की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, टीचर को अच्छा लगने लगता है, किसी भी पर्सन को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है जब आपका इम्प्रूवमेंट होता है। आप लोग मार्क्स शेयर करते हो, मैम मेरे को मेरा क्लोज टेस्ट में नंबर आ रहा है, तो ये सब बहुत बड़ा बूस्ट होता है। और लगता है ना कि और अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए कि मैक्सिमम बच्चों तक फ़ायदा जा सके। ठीक है, तो वाइट बोर्ड पे मैं पहले पढ़ाती थी। वाइट बोर्ड पे क्या होता था, पहले तो मैं लाइव नहीं आती थी ना, रिकॉर्डेड। कोई भी फेस्टिवल भी होता था ना, मैं पहले ही 5-6 दिन का रिकॉर्ड कर लेती थी और सारे फेस्टिवल्स में जाता था। क्लास के ऑफलाइन क्लास के बीच बीच में जब मुझे गैप मिलता था ना तो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती थी और उसमें बहुत मुश्किल होती थी। आपने देखा होगा कि मैं बोर्ड पर लिखती थी और कई बार ना मुखर्जी नगर में नकली इंक मिल जाता था, फिर वो इंक तो रब ही नहीं होता था, मैं उसको एकदम प्रेस कर करके रब करती थी, फिर लिख के फिर समझाती थी, फिर रिकॉर्ड करती थी, फिर रब करती थी, फिर समझाती थी। तो अभी तो चीज़ें आसान हो गई, अभी तो हम लोग का डिजिटल बोर्ड आ गया। तो वैसे ही लाइफ में, सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसे ही लोग धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है, अपने आप पे भरोसा, पेशेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे ना, हो जाएगा ओप्पो के मोबाइल से। हाँ, ओप्पो के मोबाइल से मैंने रिकॉर्डिंग करती थी और वो ओप्पो का मोबाइल ना अभी तक मेरे पास है, मैंने उसको एक आइकॉनिक पीस बना के रखा हुआ है। ओके, मैं देखती थी रोज़ आपकी हैंडराइटिंग, मैं बहुत अच्छे से लिखती थी, पहले सब लिख लेती थी। ओके, लिख के एकदम रेडी हो जाती थी, फिर कैमरा के पास जाती थी, फिर समझा दिया ना, फिर ऑफ करके फिर रब करके फिर दूसरा लिखती थी। तो थोड़ा दिक्कत होती थी समटाइम्स, तो लाइट भी चली जाती थी मुखर्जी नगर वगैरह में ना, लाइट्स वगैरह चला जाता था, एसी काम नहीं करता था। मेरे स्टाफ बोलते थे ना कि मैम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई पेड बैच थोड़ी है कि बच्चे आपसे गुस्सा डिमांड करने लगेंगे, फ्री बैच तो है, 2 दिन नहीं भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना क्यों टेंशन लेते हो। लेकिन अंदर से एक था ना कि नहीं, जब 11 बजे रेगुलरिटी के साथ जाता था, जब जा रहा है ना तो गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत होप में आते हैं। 11 बजे उसको रिकॉर्डेड देखते थे, लाइव नहीं आती थी। फिर तो कोविड आ गया और सारा सीन ही चेंज हो गया। ओके, अब मैं टोटली ऑफलाइन बंद करके मैं टोटली ऑनलाइन में आ गई, बिकॉज आई एम इन्जॉइंग ऑनलाइन। और अब मुझे अच्छा भी लगता है कि अब मैं अपने बच्चों के साथ भी रह रही हूँ, घर पे हूँ, बच्चों के साथ भी रह रही हूँ, देखभाल हो जा रही है। बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ योर टाइम ना आप चाहते हो कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए थोड़ा। तो आई एम इन्जॉइंग माई ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे आप देख रहे हो 3:30 बजे के बैच में टीचर की भी एनर्जी आई, बच्चों की भी एनर्जी आई, भर के बच्चे आते हैं। तो दिस इज़ माई स्ट्रगल। धीरे धीरे सबके लाइफ में स्ट्रगल्स आता है, फिर एक समय आता है ना कि भगवान भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, अब थोड़ा सा इसको आराम दे दो, तो आराम हो गया अब। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।